जी सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल जी। मैं हाँ तुहाडा दोस्त बोबी सिंह, ते अज असीं बना रहे हैं एक नवी वीडियो जिहदे विच मैं बनावांगा कढ़ाई पनीर, जो कि यह मेरा तो फेवरेट है ही। मैं तो लगता तुहाडा भी सारिआं दा फेवरेट होएगा। तो चलो हुण आपां चलदे हां रसोई विच ते जाके बनाईए कढ़ाई पनीर। जी दोस्तों, सब तो पहला असीं लवांगे पनीर, लवांगे उहदे उपर असीं थोड़ा जिहा नमक छिड़कांगे। नमक आपां उन्ना कु छिड़कना तां कि जदों पनीर बनाईए फिर उह सानूं फिक्का जिहा ना लगे। फिर लाल मिर्च भी पावांगे थोड़ी जी, लाल मिर्च का थोड़ा कलर वधिया आ जाएगा। हाँ जी, उस तो बाद हुण आपां लवांगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर पावांगे इहदे विच, फिर असीं इहनूं सारे नूं ना पनीर नूं मिक्स कर दांगे। ये किसी चमचे की मदद ना तुसीं सारे पनीर नूं रला देना, तां कि जिहड़ा लून उपर लाया, लून मिर्च लाई है, वो सारा मिक्स हो जाए चंगी तरह। हम तुम देख सकते हैं सारा वधिया हो गया। इस तो बाद असी एक पैन के विच रिफाइंड ऑयल पावांगे। जदों तक तेल गर्म हुंदा है वो फिर उहदे विच प्याज पा देवांगे। ये प्याज असी सिर्फ भुन्ने आ तां कि ये बाद चों आपां वरतने आ जदों ग्रेवी बनानी उहदे विच पाउण वास्ते आ। इस करके इन्हां नूं ज़्यादा नहीं गलाउणा आपां, बस थोड़े जे हल्के ब्राउन करने ने। हाँ जी, हुण तुसीं देख सकते हैं प्याज लाल हो गए ने, इस करके इहनूं आपां एक वक्खरे बर्तन विच कढ लवांगे। हाँ जी, फिर हुण असीं शिमला मिर्च पावांगे। ते शिमला मिर्च जिहड़ी हैगी चंगी तरह भुज जावे, उहदे उपर पैन दे उपर ढक्कन भी तुसीं दे सकदे आ, भाफ ना जरा जल्दी वधिया हो जाती गल जाती है। हम देखते हैं शिमला मिर्चा तो हो गई ने, थोड़िया जी नरम हो गई ने, थोड़ी सॉफ्ट ही करनी है बस, बाकी ग्रेवी जो पावे उस भी नरम हो जाएगी। मैं वेख लिया चमचे ना थोड़ी थोड़ी है ने, नरम हो गई ने जिनी जरूरत है, घट सेकते ही आपां करनी है, बहुत ही तेज सेकते नहीं करना तां कि फिर ज़्यादा गल जाणगियां। हुण इहनूं भी आपां एक वक्खरे बर्तन दे विच इस नाल मदद नाल कढ लवांगे। हुण असीं पैन दे विच जिहड़ा हैगा पनीर पावांगे, जिहड़ा पनीर आपां जिहनूं आपां लून ते लाल मिर्च वगैरह ते जीरा पाउडर लाया सी, ते उह आपां हुण एक पैन दे विच इहनूं भुन्नना है घट सेक दे उपर। देख रहे हैं वधिया लाल हो रहे हैं, पनीर नू थोड़ा थोड़ा पलटा के भी देखांगे क्योंकि चारे पासे इको जिहा भुज जावे। अभी देख रहे हैं किड्डा वधिया कलर आ रहा है, बहुत अच्छा कलर आया ये ना, इहदी सॉफ्टनैस भी वधेगी, होर सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा पनीर। हुण तुसीं देख रहे हैं इहनूं भी मैं कढ लैना एक वक्खरे प्लेट दे विच कढ लैना। बहुत ही वधिया लगेगा। इस तो बाद एक पैन दे विच रिफाइंड पावांगे, उस पैन च फिर इहदे विच आपां पावांगे लसन दी कलियां पा दांगे, 8-10 पा दांगे, छोटियां कलियां हैगियां 8-10 पाती हैं मैं। अगर तुहानूं जे इहनां विचों कोई भी चीज़ नहीं पसंद हैगी उह स्किप वी कर सकदे आ, उस चीज़ नूं वी छड्ड दिओ, उस तो बगैर भी उह चीज़ बन सकदी है। फिर प्याज पावांगे, जब तक प्याज गर्म, प्याज लाल हुंदा है, हल्का लाल हुंदा है, फिर आपां अदरक पा देंगे बिच। अदरक वेख लेंगे एक 2 इंच का टोटा पा लियो या 1 इंच का पा लियो, जिन्ना कि तुसी खांदे हो हिसाब नाल पा लियो। टमाटर ते हरी मिर्चा पा देंगे, इहदे वास्ते मैं 3 टमाटर लिते सी वड्डे ते 4 हरी मिर्चा लितियां। थोड़ा सेक नूं आपां तेज़ कर दिता हुंदा क्योंकि तड़का भुजना है, थोड़ा सेक की जरूरत हुंदी है। देखते हैं तड़का थोड़ा जिहा लाल हो रहा है, इस दे विच आपां थोड़े जे काजू जिहड़े हुंदे आ
दो फाड़ या चार फाड़ जिहड़े भी तुहाडे को अवेलेबल हैगे घर च वो तुसी पा सकते हैं। असीं थोड़े के पाने हैं क्योंकि इहदे नाल ग्रेवी का जिहड़ा टैक्सचर होएगा बड़ा वधिया आएगा काजू नाल। हल हुण सेक भावें थोड़ा मध्यम कर दो, देख लियो जिस तरह भी है, थोड़ा हल्का जिहा पानी पा देंगे क्योंकि टमाटर थोड़े जिहे खड़े खड़े ने नरम हो जाएंगे। हाँ तुसीं देख रहे हो टमाटर नरम हो गए 10-15 मिनट बाद। हुण आपां इहनूं तड़के नूं तड़का भुज गया हुण काफ़ी हद तक, तुसीं वेख रहे हो टमाटर भी नरम हो गए ते प्याज भी गल गए ने। देखो इनू मिक्स करांगे, हिलाई जाना जो सेक तेज हो तड़के नू हिलाई जाना। हाँ जी सड़का चारे पासे इको जहा भुजदा फिर बहुत ही वधिया कलर आएगा इहदा ग्रेवी का। टमाटर भी काफ़ी वधिया आ गए सी। इस तो बाद हुण आपां ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ ਗ੍ਰੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪੀਸਣਾ ਹੈ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਇੰਡ 'ਚ, ਪੈਨ ਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਿੱਚ 3-4 ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿਉ ਸਾਬਤ, ਹਲਕਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਓ ਘੱਟ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੁੰਨੋ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਹਲਕੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਓ। ਇਹ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘੱਟ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਪਾਈਸੀ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸਰ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੜਕੇ ਦਾ ਕਲਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ 'ਤੇ ਭੁੰਨੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘੱਟ ਸੇਕ 'ਤੇ। ਸੇਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਛਿੱਟੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕਦਮ। ਘੱਟ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਜੂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੀਸੇ ਗਏ ਨਾਲ ਤੜਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਛਾਣ ਕੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਹੀ ਤੜਕਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵੀ ਰੱਖਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਿੱਟੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੱਕਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ। ਲੂਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਲੂਣ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਝਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੋਏਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਟੇਸਟ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ
हाँ हूँ देखो जो पनीर सी मैं तेल दे भुनिया सी रिफाइंड हूँ पा लाँगे फ्राई किया हल्का जहा थोड़े ग्रेवी मैं घट लगी ग्रेवी थोड़ा गर्म पानी पा लाँगे देखो ग्रेवी फिर रिज रही हम आप जी सब्जियां सी शिमला मिर्च हो गई जां प्याज हो गए वह भी बिच पा लाँगे ये ग्रेवी च हम दसो सारे तुम मिक्स कर दोगे सारे सारी ग्रेवी नू मिक्स कर दोगे ताकि सब्जियां सारियां अच्छी तरह मिक्स हो जाए हम तुम जो सेक का तेज भी कर सकते हो बाकी तुम ग्रेवी देख लो जिनी कि तुम जरूरत है तो साढ़े घर बिल्कुल सुकी नहीं खाते इस करके थोड़ी मैं ग्रेवी रखी है बाकी जो तुम ज़्यादा ग्रेवी चाहते हो भी बना सकते हैं अगर तुम घट चाहते तो भी बना सकते हैं ग्रेवी तुम घट कर सकते हैं थोड़ा कलर मैं घट लगा इस करके मैं कश्मीरी मिर्च पाई है हम देखो कलर भी अच्छा आ गया लाल कलर हो गया जो जो सब्जी रिझेगी वो लाल होएगी नमक मैं थोड़ा घट लगा सी मैं फिर पा दिता इस करके देखो कि सब्जी का कलर कितना अच्छा है ये तो ही ऊपर कसूरी मेथी पा सकते हैं कसूरी मेथी पा सकते हैं ये जो भी तुम अच्छा लगता है मसाला तो वो भी यूज कर सकते हैं देखो सब्जी चंगी तरह बन गई है पनीर बन गया चंगी तरह इस तरह ये सी कढ़ाई पनीर हम कढ़ाई पनीर बिल्कुल तैयार हो गया ये उपर आप धनिया पा के इनू उतार लवेंगे गैस तो हाँ जी ये सी दोस्तों कढ़ाई पनीर तो तुम बहुत ही आसान तरीके घर के कढ़ाई पनीर बना सकते हो भी रेस्टोरेंट स्टाइल दे विच ते पंजाबी स्टाइल दे विच जिहड़ियां सिंपल जिहड़ियां घर दे विच सब्जियां हुंदियां उसे नाल तुसीं कढ़ाई पनीर बना सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी बनी है तो मेरा ख्याल है अगर तुहानूं अच्छी लगी है तो तुसीं भी सारे बना के जरूर देखोगे जी दोस्तों मैनूं जरूर दसना है तुहानूं अज्ज दी वीडियो मेरी किस तरह की लगी है तो तुसीं वीडियो थल्ले कमेंट करके जरूर दस्सिओ अगर तुहानूं मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो तुसीं मैनूं कमेंट करके अते शेयर करके जरूर दस्सिओ अगर तुहानूं वीडियो अच्छी लगी है तो तुसीं इहनूं लाइक भी करिओ तो मेरा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ धन्यवाद जी